हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं निकलने वाली हूँ। सो कल तो मैं आंखों की डॉक्टर के पास गई थी, मैं, मेरी बहन और मेरी पापा। तो आप लोग आई होप ब्लॉग देखा ही होगा। सो गाइस, अभी फिर से मैं निकलने वाली हूँ इस इवनिंग में। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं चश्मा बनाने के लिए, मेरी बहन की चश्मा बनाने के लिए, क्योंकि उसका पावर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। सो गाइस, अभी हम लोग निकलने वाले हैं और फटाफट से मैं कल वाली ड्रेस ही पहन लिया है, आप देख सकते हो। अभी मैं फटाफट से रेडी होंगी। मेरी बहन गई है कॉलेज और वो अभी आने वाली है, और मुझे फटाफट से 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स में मुझे रेडी होना पड़ेगा गाइस। तो चलिए गाइस, मैं कैसे रेडी होती हूँ फटाफट से वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो आप लोगों के साथ बात करते करते मैं अपनी स्किन केयर थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। सो ये मैं बायोटिक की हनी टोनर यूज़ कर रही हूँ गाइस। सो आप लोगों के साथ मेकअप भी शेयर हो जाएगा, और मैं फटाफट से कैसे मेकअप वगैरह करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो टोनर को थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब होने दे रही हूँ मैं, फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाए यार, नहीं तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगा पाऊंगी। सो ये वाला मॉइस्चराइजर मैं आप लोगों के साथ कल शेयर किया था कि मैं मॉल से खरीद के ले आई, ये वाला मॉइस्चराइजर ही मैं थोड़ी सी अमाउंट यूज करूँगी अपनी फेस में। तो अभी विंटर सीजन चल रही है तो मॉइस्चराइजर यूज करना तो बनता ही है। और अभी पास में मेरा भैया की बेटी आ गई है, पास में बैठी हुई है, वो मुझे अपनी तरफ थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है गाइस। ये देखो आप, ये देखो गाइस, ये थोड़ी बहुत मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया है। अभी मैं लगा रही हूँ फिटमी की कॉम्पैक्ट। तो मैं सिर्फ कॉम्पैक्ट ही लगाऊंगी, कोई फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम, सीसी क्रीम मैं नहीं लगाऊंगी गाइस। सिर्फ कॉम्पैक्ट से मॉइस्चराइजर को थोड़ी बहुत सेट कर लूंगी, नहीं तो बाहर जा रही हूँ ना गाइस, धूल मिट्टी बहुत ही ज्यादा उड़ता है और फेस में सब अच्छे से चिपक जाएगा, इसीलिए सो नेक पे भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो स्किन का, फेस का कलर अलग दिखेगा और नेक का कलर अलग दिखेगा। ये मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज कर रही हूँ। पहले तो मैं आईब्रो को थोड़ा सा कोम कर लूंगी। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेकअप, मेरा ये मेकअप लुक शायद आपको दिख रहा होगा। सो क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ी बहुत लाइट की कमी है, मैं ये दो शेड मिक्सअप करके हमेशा से मैं आईब्रो फिल इन करती हूँ। तो मैंने बड़ा वाला मिरर ले लिया गाइस, और जल्दी जल्दी से मैं फिल कर लेती हूँ आईब्रो को। सिर्फ मैं गैपिंग वगैरह में ही सिर्फ फिल कर रही हूँ गाइस, पूरे अच्छे तरीके से मैं फिल नहीं कर रही हूँ। जितना भी गैपिंग वगैरह है थोड़ी बहुत मैं आईब्रो को शेप दे रही हूँ जस्ट। सो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं रोज़ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जाती है गाइस, इसीलिए रोज़ मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ। लेकिन सोचती हूँ गाइस रोज़ आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना। मैं डेली रूटीन में क्या क्या कर रही हूँ, क्या खा पी रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग ना मेरे एक फैमिली हो गाइस, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी ना मैं लिप एंड चिक टिंट यूज़ करूँगी, ये मस्ट हैव के है, ईवा की मस्ट हैव लिप एंड चिक टिंट, और इसका शेड है मोचा कलर। ओके, सो मैंने एक ब्लश ब्रश ले लिया है और ऐसे ही मैं ले रही हूँ, ब्लश को लगाऊंगी। आपको ऐसे स्माइल करना है और ऐसे लगाना है गाइस, शायद पता ही होगा बहुत सारे लोगों को, अभी मेकअप के बारे में बहुत कुछ पता है। सो कुछ लोगों को पता नहीं है गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बट गाइस, 5 मिनट्स में आप अगर रेडी होना चाहते हो तो आप
मैं जैसे दिखा रही हूँ इस मेथड में आप रेडी हो सकते हो, बहुत ही जल्दी रेडी हो सकते हो। और ये जो लिप एंड चीक टिंट है ना गाइस, ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जल्दी रेडी होने के लिए, क्योंकि इससे आप आई मेकअप भी कर सकते हो, ब्लश लगा सकते हो, लिपस्टिक भी लगा सकते हो। सो मैं अपने नोज पे भी थोड़ी बहुत ब्लश लगाती हूँ और चिन पे भी। तो अभी मैं आईलैश कलर की हेल्प से लैशेस को थोड़ी बहुत कर्ल कर रही हूँ, क्योंकि मैं मस्कारा तो डेफिनेटली लगाऊंगी गाइस। सो आपने देखा होगा कि मैं कभी कभी ना मैं काजल नहीं लगाती हूँ, बट गाइस मस्कारा के बिना मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ। काजल नहीं लगाती हूँ लेकिन मस्कारा तो लगाना बनता ही है गाइस, क्योंकि मस्कारा के बिना आई मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फेस स्कैंडा की काजल। सो या गाइस, फटाफट से मैं काजल अप्लाई कर लेती हूँ। तो काजल लगाना तो कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं मस्कारा लगाने वाली हूँ। ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है गाइस, बहुत ही अच्छी से लैशेस को कर्ल एंड कोट करती है। सो ये वाटरप्रूफ है। सो मुझे जल्दी जल्दी में ये वाला मस्कारा ही मिला मेरे हाथों के सामने, लेकिन कभी कभी मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ गाइस। जब मैं कभी शादी वगैरह में जाती हूँ तब मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करती हूँ, नहीं तो रेगुलर पे मैं कभी भी वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं यूज़ करती हूँ। सो गाइस आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो मैंने कोई भी आई शेड वगैरह नहीं लगाया, अभी मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। ओके हाँ गाइस, मेरा और भी एक चैनल है लीसा स्टाइल, उसमें अभी ना मैं वीडियो नहीं छोड़ी हूँ। ये तो लीसा स्टाइल ब्लॉग है, मेरा और एक चैनल है लीसा स्टाइल नाम की। तो उस चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उस चैनल पे मैं ना वीडियो छोड़ती थी, मेकअप वीडियो छोड़ती थी। सो वो अभी चैनल में कभी कभी मैं छोड़ती हूँ मेकअप वीडियो, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है गाइस, इसीलिए अभी मैं इस ब्लॉग चैनल में फोकस कर रही हूँ गाइस। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ, लेकिन ना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। सो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का लिप क्रेयॉन इन दी सेट गर्ल पावर 10। सो ये अभी ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये वाला न्यूट शेड ना गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। आप अगर हल्के तरीके से लगाओगे ना, ये थोड़ी सी ब्राउन कलर दिखेगा, और थोड़ी डार्क लगाओगे तो ये न्यूट थोड़ी सी डार्क ब्राउन दिखेगा। बहुत ही अच्छी न्यूटिश ब्राउन शेड है गाइस। और ये मैट फिनिश है गाइस, तो आप जब भी लगाओगे, स्पेशली विंटर में या फिर समर पे जब भी आप लगाओगे ना गाइस, आप अच्छी तरह से लिप्स को मॉइस्चराइजिंग जरूर कर लीजिएगा लिप बाम से। ओके अब कंप्लीट हो चुका है। सो मैं फटाफट से हेयर को सेट करके आती हूँ गाइस। पोनीटेल कर लिया है एक, और अभी मैं ये फ्लावर वाला कल की ही जो इयररिंग्स पहनी थी वो इयररिंग्स में पहन रही हूँ। थोड़ी सी सिंदूर लगा लेती हूँ और मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस मैं 10 मिनट में रेडी हो चुकी हूँ, आप ही बताओ आप मुझे कैसा लग रहा है। सो ऐसा आप रेडी हो सकते हो आपको अगर फटाफट से कहीं पे जाना हो तो। सो गाइस आज की मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो मैं और भी आप लोगों के साथ मेकअप लुक शेयर करूंगी। मेरे माइंड में और भी मेकअप लुक है कि कैसा कैसा करना है, कौन सा मेकअप लुक कैसे करना है। सो अभी वेडिंग सीजन चल रही है तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं और भी मेकअप लुक शेयर करूंगी आप लोग अगर बोलोगे तो जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेकअप लुक देखना है कि नहीं देखना है। सो या गाइस, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। मेरी बहन भी आ चुकी है कॉलेज से। सो गाइस मेरी बहन भी आ चुकी है कॉलेज से। ये कल की कपड़ा जो
पहन के गई थी, वो आज भी पहन के कॉलेज गई थी गाइस। तो अभी इसका हालत खराब है, कॉलेज से बहुत दूर से आती है। सो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो फटाफट से हम लोग निकल जाते हैं। सो बाहर जाके आप लोगों को बाहर की नजारा दिखाते हैं। एकदम ठीक रास्ता।